स्वागत है आप सभी का द फ्यूचर इज सोलर में। आज मैं आपके सामने एक डायोड लेकर आ रखा हूँ। इस डायोड को जो लोग जानते हैं इसका क्या काम है उनके लिए तो कोई नई चीज़ नहीं है डायोड, लेकिन सोलर पैनल में क्या है ये एक नई चीज़ है उनके लिए। और जिनको जो डायोड नहीं जानते कि डायोड का क्या काम है उनको आज वीडियो देखने के बाद मालूम चल जाएगा। किसी हमारे पैनल में एक डायोड लगा होता है, किसी में तीन लगे होते हैं, किसी में हमारे छः लगे होते हैं, किस में लगे होते हैं कितने ये आपको इस वीडियो देखने के बाद मालूम चल जाएगा। और अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो आप अपने सर्कल में समझाने के लायक हो जाएंगे कि हाँ भाई जो बाईपास डायोड है हमारा किस काम का है। इस डायोड को अगर हम सोलर पैनल में लगाते हैं तो ये डायोड बाईपास डायोड कहलाता है। इसका जो काम है वो बाईपास के थ्रू बाईपास का करना होता है। क्या बाईपास करता है, कैसे बाईपास करता है, मैं आपको अभी आगे वीडियो में लेके चलता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें। ये एक सोलर सेल है और ऐसे ही सोलर सेल्स एक के पीछे एक सीरीज में लग के एक हमारा पूरा सोलर पैनल फॉर्म करते हैं। ये तीन सेल हैं, ऐसे ही टोटल हमारे इस पैनल में 72 सेल्स हैं और 72 सेल से हमारा सोलर पैनल बन गया। सोलर पैनल के ऊपर रोशनी पड़ेगी तो हमारा उसके ऊपर करंट जनरेशन शुरू होगा और जो करंट है वो हमारा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो करेगा। आगे चलकर मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हमारा जो डायोड है वो कैसे काम करता है और उसको बाईपास डायोड क्यों कहते हैं। इसको मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये हमारा सोलर के पैनल के बैक साइड है जहाँ पर एक जंक्शन बॉक्स है। इस जंक्शन बॉक्स में तीन डायोड हैं और हर पैनल में किसी में एक होगा, किसी में तीन होगा और किसी में छः होगा। छः हमारा हाफ कट वाले में होगा और जो तीन होंगे हमारे जो नॉर्मल हमारा 72 सेल्स वाला होता है उसमें होगा, और जो एक होगा हमारा वो जिस जो छोटे स्मॉल पैनल्स होते हैं जिसमें हमारा 100 वाट से नीचे के उसमें सिर्फ सिंगल डायोड लगा होता है। और डायोड देखिए आप भी किस तरीके से लगेंगे। डायोड हमारा इनके जो हमारी सीरीज़ है जो स्ट्रिंग बने हुए हैं अंदर सोलर सेल्स के इनके बिल्कुल पैरेलल में लगेंगे। और जो ये रिंग साइड आप देख रहे हैं जो डायोड का उसको कहते हैं कैथोड, और जिस तरफ कोई कलर नहीं है जो ब्लैक है उसको हम कहते हैं एनोड। और जो हमारा करंट फ्लो होता है फ्रॉम एनोड टू कैथोड होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर उल्टा हम लगा देंगे तो ये हमारा जो हमारा पैनल है उसको प्रोटेक्ट करेगा रिवर्स पोलैरिटी से। अब नॉर्मल कंडीशन में जो हमारा जब पैनल सब कुछ सही चल रहा है, कोई शेडो नहीं है, कोई उसके ऊपर बर्ड ड्रॉपिंग नहीं है, तो हमारा जो करंट फ्लो है वो इस तरीके से फ्लो करेगा। जो ये डॉट है ये करंट का डायरेक्शन दिखा रहा है कि करंट इस तरीके से फ्लो करेगा। अब आगे वाले आगे सिनेरियो में आपको दिखाता हूँ कि अगर हमारी शेडो पड़ेगी तब क्या होगा। अब ये आपके सामने आ गया शेडो। जो बीच वाला हमारे जो सोलर सेल्स हैं ये सीरीज है इसमें हमारी शेडो पड़ रही है। अब इस शेडो की वजह से क्या होगा, जब हमारा सोलर सेल्स के ऊपर शेडो पड़ेगी तो इसमें एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, उस रेजिस्टेंस से हमारा एक वोल्टेज ड्रॉप होगा। और जो हमारा जो भी डायोड है उसका जो काम है वो ये काम है कि इसका जो फॉरवर्ड वोल्टेज ब्रेकडाउन है वो 0.7 वोल्ट होता है। जैसे ही इसमें हमारा रेजिस्टेंस जनरेट होगा हमारा वोल्टेज बढ़ेगी, और वोल्टेज हमारी 0.7 से जैसे ही ऊपर जाएगी तो हमारा बीच वाला बाईपास हो जाएगा और ये जो करंट है हमारा डायोड से फ्लो करेगा। और ये कैसे डायोड से फ्लो करेगा मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, और इसीलिए इसको बाईपास डायोड कहते हैं। अब देख लीजिए जो हमारा करंट फ्लो करना शुरू कर रहा है वो हमारा बाकी जो दो स्ट्रिंग्स हैं उनमें नॉर्मल जा रहा है और ऊपर डायोड से होते हुए निकल रहा है, क्योंकि जो नीचे वाला हिस्सा है वो हमारा ब्लॉक हो रखा है शेडो से। अब इसी तरीके से आप इसमें पानी का एग्जांपल ले लीजिए, अगर पानी इस तरीके से फ्लो कर रहा है, अगर नीचे हमारा पानी का जो वो पाइप है वो बंद हो गया, ब्लॉक हो गया किसी भी रीज़न से, जो पानी है वो ऊपर से फ्लो करना शुरू हो जाएगा। सेम जो लॉजिक है वो इस पर अप्लाई होता है। अब बात करते हैं इसके फायदे क्या हैं। एक तो हमारी जो सिस्टम परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती है, और दूसरा जो इसका बहुत बड़ा फायदा है वो है कि आपके जो हॉट स्पॉट हैं वो जनरेट बिल्कुल नहीं होते हैं। सोलर पैनल के कॉन्टेक्स्ट में इसको बाईपास डायोड कहा जाता है, वरना आम भाषा में इसको सिर्फ डायोड कहते हैं। आज के इस वीडियो में हमने जाना कि जो हमारा छोटा सा डिवाइस दिख रहा है आपको ये कितना एक्टिव है और इससे हमारे सोलर पैनल्स को कितना फ़ायदा है। एक तो हमारा ये हॉटस्पॉट नहीं बनने देता, यानी कि हमारा जो पैनल है वो जलेगा नहीं अगर ये लगा है, और दूसरा हमारा अगर शेडो पड़ रही है तो हमारा जनरेशन जो है वो उस शेडो वाले पार्ट को बाईपास करके सीधा नॉन शेडो वाले पार्ट के थ्रू करंट अपना फ्लो करेगा और हमारा जिससे जनरेशन हमारा बढ़ेगा। अगर आपको ये मेरी दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।